रायबरेली में यातायात माह नवंबर 2023 की शुरुआत हुई। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने मार्ग दुर्घटनाओं से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए यातायात प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा, अगर वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो मार्ग दुर्घटनाओं में होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। यातायात जागरूकता अभियान की रैली में पुलिस के साथ एनसीसी कैडेट्स स्कूली बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया। यातायात पुलिस एनसीसी कैडेट्स स्कूली बच्चों द्वारा स्लोगन पोस्टर बैनर के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया। सरकार का जो है बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। हम यातायात जागरूकता में हम छोटी छोटी बातें जो है ध्यान देना चाहिए, जो है रोड पे जो है हमको किस साइड पे चलना है। और हमारे जो आईजी महोदय हैं, पुलिस में महानिरीक्षक महोदय, उनके इनिशिएटिव से रायबरेली जिले में ये एक्सपेरिमेंट हुआ और अब यहाँ के बाद बाकी जिलों में भी हो रहा है। सेव लाइफ फाउंडेशन के लोगों का प्रयास ये है कि उनकी फाइंडिंग से उनके जो भी रिकमेंडेशन होगी वो सरकार को भेजेंगे, सरकार उसमें अपनी कार्रवाई करेगी। और ये जिस पुलिस के तत्वाधान में ट्रैफिक पुलिस ने और कोतवाली पुलिस ने आज ये ट्रैफिक माह के शुभारंभ का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है, जिसमें शहर के तमाम प्रबुद्ध व्यक्ति, अलग अलग तरह के इन्फ्लुएंसर्स और एनसीसी के तमाम कैडेट्स यहाँ पे हैं। और हम सब लोगों ने यहाँ ये वचन लिया है कि अपने अपने स्तर से पूरे माह में ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, उनको इन्फोर्स कराएंगे और समाज में और अपने आसपास के लोगों में ऐसी जागरूकता पैदा करेंगे जिससे ट्रैफिक दुर्घटनाओं में कमी आए और ट्रैफिक की वजह से होने वाली जो मौतें हैं, जो चोटें हैं, उनमें कमी लाई जा सके। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।